कर्मचारियों का अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही पूर्ण रवैया योगी सरकार में भी जारी है। जब मर्जी वो काम करें और जब मर्जी ना हो तो ना करें। कर्मचारियों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें कार्रवाई का कोई डर नहीं रहता। मंगलवार दोपहर स्वास्थ्य विभाग के अपर स्वास्थ्य निर्देशक ने जालौन के कालपी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अचानक अपर महानिर्देशक के आने से स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप मच गया। उन्होंने जब चिकित्सा अधीक्षक के कैबिन की तरफ रुख किया तो वे आज भी नदारद थे, जिसके बाद उन्होंने CMO जालौन से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अस्पताल में वार्ड टू वार्ड घूमकर अपर महानिर्देशक ने निरीक्षण किया। कुछ लोगों ने अस्पताल की गंदगी को अस्पताल के पीछे फेंकने का भी आरोप लगाया है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई व दोबारा ऐसी शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की भी बात कही। पहले मशीन से करते हैं, उसके बाद सर जिन लेवल को होता है पाइडिया को होता है सर, उससे नहीं जाता है। अरे नॉर्मल बात कर रहे हैं आप, नॉर्मल टाटर कैसे हटाते हो? नॉर्मल टाटर को सर हाथ ही हटाते हैं, जो बहुत ज्यादा धुआं वाला होता है, एक से काला काला जो होता है धुआं निकलता है वो दूसरे का काम करता है। CMO साहब से कहा कि जरा अधीक्षक के बारे में पूछें, वो कब को यहाँ रहते हैं, कब पेशेंट क्या देखते हैं, तो एक आख्या उनसे मांगिए CMO साहब से, तो फिर उसके बाद पता चले। वैसे सब सफाई तो मैं ठीक दिखाई पड़ी, कुछ यहाँ समस्याएं बताएंगी, समस्याओं को दूर करने के लिए हमने कहा है। और दूसरा कार्यक्रम ये है कि जो स्टाफ है, स्टाफ सब यहाँ ऑलमोस्ट सब मौजूद हैं, ये सब अपने काम तो कर ही रहे, जैसा कुछ उन्हें करना। उन्होंने बीच में ASP के बारे में देखा, स्नेक बाइट के लिए कुत्ते काटने की दवाई यहाँ पर मौजूद हैं, और भी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में, उनकी कमी नहीं है। स्टोर हमने जाके देखा, ठीक ठाक चल रहा है, मरीज ठीक ठाक देखे जा रहे हैं, वैसे सब कुछ सही है। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ थोड़ा सा जो कुछ गंदगी वाली बात है, उसके लिए हमने कह दिया, दोबारा आकर के हम फिर से इसको देखेंगे। नहीं सर, बहुत गंदगी है सर। हम इसको इस बात को दोबारा देखेंगे और फिर हम जो कुछ होगा उसके बाद बताएंगे। कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।